गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पार्ट वन। हियर पीरियोडिक टेबल इज शोन हियर। पीरियोडिक टेबल जो है वो आपकी चार ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। पी ब्लॉक में क्या आते हैं? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड सभी आते हैं। एस ब्लॉक में सभी मेटल्स आएंगी आपकी। डी ब्लॉक के अंदर भी मेटल्स ही आती हैं जिन्हें हम ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स में भी मेटल्स ही होती हैं एंड दीज आर कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन मेटल्स। सबसे पहले हमें ये देखना है कि पीरियोडिसिटी होती क्या है। हम यहाँ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? पीरियोडिक के मीन क्या होती है? आवर्तिता, यानी ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिन्हें जो क्या होता है, एक रेगुलर इंटरवल के बाद बार बार दोहराई जाती है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिसिटी। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे कि एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं? एटॉमिक रेडियाई है, आयनिक रेडियाई है, एटॉमिक वॉल्यूम है, आयनन विभव जो होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, ये सभी क्या होती है? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। और ये सभी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं, यानी कि एटॉमिक, इन्हें हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ बोलेंगे, पर यह है क्या, एटम की प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि क्या कहलाती है? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। अब क्यों कहलाती है, इसके बारे में अभी बताती हूँ। अब ये तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है कि ये सभी जो एटमिक प्रॉपर्टीज़ होती है वो किसके फंक्शन होती है? एटमिक नंबर जो होता है उसका पीरियोडिक फंक्शन होती है। तो पीरियोडिक का मीन यही होता है, द रिकरेंस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवेल्स आर कॉल्ड एज पीरियोडिसिटी। यानी कि एक रेगुलर इंटरवेल के बाद अगर एलिमेंट्स की वो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, बार बार अगर वही वो गेन कर लेता है, उनमें एक रेगुलर इंटरवल होता है उनकी प्रॉपर्टीज़ में, तो उसी को ही हम पीरियोडिसिटी कहते हैं। तो यहाँ हम एक एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे एटमिक एंड आयनिक रेडियाई के बारे में। तो एटमिक रेडियस होती क्या है? एटमिक रेडियस जो होती है, हम ये बोल सकते हैं कि एटमिक रेडियस, एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच की जो डिस्टेंस है, दैट इज़ कॉल्ड एज एटमिक रेडियस। पर आप ये जानते हैं कि हम इस तरह से एटमिक रेडियस को कैलकुलेट नहीं कर सकते एक एटम को, सिंगल एटम, क्योंकि सिंगल एटम जो होता है, इंडिविजुअल एटम जो होता है, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। अकॉर्डिंग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन को आप डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। तो जब आप जान ही नहीं पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली है कहाँ, तो आप उसकी रेडियस भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से क्या किया गया है कि हम कैसे कर सकते हैं कि दो बॉन्डेड एटम्स जो हैं उनके बीच की डिस्टेंस, उनके न्यूक्लियाई के बीच की डिस्टेंस को निकाल लिया जाए, जिसे हम बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और उस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का अगर आप हाफ कर देते हैं, आधा कर देते हैं, तो इस तरह से आप एटमिक रेडियस निकाल सकते हैं। अब यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ एटमिक रेडियाई, फॉर द पर्पज ऑफ फीसिबिलिटी द एटमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट्स हैव बीन एक्सप्लेन्ड इन थ्री ऑपरेशनल कैटेगरीज एज फॉलोज। एटमिक रेडियाई, कोवलेंट रेडियाई, मेटेलिक और क्रिस्टल रेडियाई एंड वॉन्डरवॉल रेडियाई, इन तीन तरह से इसे क्लासीफाई किया गया है एटमिक रेडियाई को। कोवलेंट रेडियस क्या होती है? कोवलेंट रेडियस उस केस में हम निकालेंगे जब मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे कि कोवलेंट मॉलिक्यूल है आपका A2 टाइप का है। A2 टाइप कौन सा हो जाएगा? जहाँ पे कि दोनों एटम्स ही सेम साइज़ के, यानी कि सेम एटम्स हैं, तो ये जो मॉलिक्यूल बनाएंगे दैट इज़ कॉल्ड एज A2 मॉलिक्यूल। अगर एक डिफरेंट एटम्स हैं, इनके डिससिमिलर एटम्स अगर मिलकर एक कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं और कोवलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये AB टाइप का अगर बन रहा है, तो उसके अंदर हम किस तरह से निकालेंगे? दोनों में ही डिफरेंट वे होगा कोवलेंट रेडियस निकालने का। अब आप किस तरह से देखेंगे, कोवलेंट रेडियस होती क्या है? कोवलेंट रेडियस ऑफ एन एटम इज कन्वीनियंटली डिफाइंड एज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट बॉन्डेड टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल बाय अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये केस तभी है जब दो एटम्स क्या है, सेम एटम्स है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल A2 मॉलिक्यूल है, दो सेम एटम्स हैं, AA है। अब इनके बीच की जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस है, आप उसे कैलकुलेट करेंगे और इसका अगर हाफ करते हैं तो आप क्या निकाल लेते हैं, कोवलेंट रेडियस आपकी निकल जाएगी।
अब इसे हम एग्जाम्पल से कैसे बताते हैं, देखिए फोर द एटम ए इन ए टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल है कैसा है ए टू, ए टू का मीन क्या है, ए क्या है, ए कोई भी एटम हो सकता है आपका, कोई भी एटम हो सकता है किसी भी एक एलिमेंट का, जैसे कि फॉर एग्जांपल एच टू मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ये होंगे कि दोनों ही एटम्स जो होंगे वो सेम होंगे, तो यहाँ पे क्या होता है कि टू ए एटम्स आर लिंक्ड बाय अ सिंगल बॉन्ड से लिंक है, तो कोवेलेंट आप रेडियस कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस देखोगे, डी ए ए जो है दैट इज कॉल्ड एज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, क्या हो जाएगी दोनों की ही रेडियस को आप जोड़ देंगे, आर ए प्लस आर ए, इसे हम टू आर ए भी लिख सकते हैं, अब ये क्या हो जाएगी आर ए इज इक्वल टू डी ए ए इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस अपॉन टू कर देते हैं, तो ये आपका कोवेलेंट रेडियस हो जाएगा ऑफ होमोन्यूक्लियर एट होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, वेयर डी ए ए इज द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू ए एटम्स इन अ ए टू मॉलिक्यूल्स। देखिए यहाँ पे ये एक डायटमिक मॉलिक्यूल है जो दो एटम से मिलकर बना हुआ है, अब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस तो क्या हो जाएगी दोनों के न्यूक्लियस के बीच का, लेकिन फिर उसका हाफ अप करोगे तो आप क्या निकाल सकते हैं कोवेलेंट रेडियस, क्योंकि ये दोनों जो एटम्स हैं वो किस बॉन्ड से बॉन्डेड है, कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है। इन केस ऑफ हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, यानी कि दोनों ही सिमिलर टाइप के हैं, डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं, ए बी टाइप, यानी एक ए एक मॉलिक्यूल है जो दो अलग अलग एटम से मिलकर बना हुआ है, द सिंगल बॉन्ड रेडियस कोवेलेंट रेडियस कैन बी कैलकुलेट एज, अगर अब इस केस में आपको ये देखना है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर दोनों एटम्स की सेम है, भले ही ये दोनों ही अलग अलग हैं लेकिन इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर सेम है तो इनका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आर ए प्लस आर बी से ही आप निकालेंगे और फिर उसका हाफ कर देंगे, तो आप यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस निकाल लेंगे। बट इन केस ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम, अगर मॉलिक्यूल किससे बना हुआ है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाले एटम से मिलके बना हुआ है, उस केस में आप कैसे निकालेंगे, इसके लिए दो मेथड है, एक शूमेकर एंड स्टीवेंशन ने दिया है और एक दिया है पोर्टर फील्ड ने, तो शूमेकर एंड स्टीवेंशन के अकॉर्डिंग क्या है, डी ए बी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 और यहाँ पे फिर क्या है डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का एक्स बी माइनस एक्स ए, और पोर्टर फील्ड के अकॉर्डिंग क्या है आर ए प्लस आर बी माइनस 0.07 एक्स बी माइनस एक्स ए का होल स्क्वायर, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है उसका यहाँ पे आपको स्क्वायर करना होगा। इस केस तरह से आप हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स के अंदर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे और फिर उसका हाफ करेंगे तो कोवेलेंट रेडियस निकल जाएगा। अब हम पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ कोवेलेंट रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, सबसे फर्स्ट आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आर कोवेलेंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/Z इफेक्टिव, जैसे जैसे जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ही क्या हो जाएगी आर कोवेलेंट कोवेलेंट रेडियस जो है वो घटती चली जाएगी, कोवेलेंट रेडियस घटती चली जाएगी, क्यों, क्योंकि नाभिक जो है न्यूक्लियस जो है उसका जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या हो जाएगा श्रिंक होगा, श्रिंक होने लगेगा, पहले तो आप ये देखेंगे कि एटम जो होगा वो श्रिंक होगा, अगर एटम ही श्रिंक है तो फिर क्या हो जाएगा कि एटमिक रेडियस भी अपने आप ही श्रिंक हो जाएगी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ती जाती है वैसे वैसे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का जो शैल होता है वो इंक्रीज होगा, ज़्यादा हो जाएगा और उसकी डिस्टेंस में न्यूक्लियस से बढ़ जाएगी। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड के साथ इसका इन्वर्सली रिलेशन है, अब आप देखिए जैसे जैसे अगर सिंगल बॉन्डेड एटम है, सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल है जिसके अंदर मतलब क्या है कोवेलेंट बॉन्ड क्या है सिंगल ही है, और एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर डबल बॉन्डेड एटम्स है, और एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके बीच में क्या है ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड है उसके एटम्स, तो जितने ज़्यादा बंधों की संख्या बढ़ती जाएगी उतना ही ज़्यादा अट्रैक्शन उनके बीच में बढ़ता जाएगा, पास नज़दीक नज़दीक आते जाएंगे, तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट रेडियस कम होती जाएगी। अब हम आएंगे मेटेलिक और क्रिस्टल रेडियाई के ऊपर, मेटेलिक और क्रिस्टल रेडियस में भी थियोरेटिकली डिफाइंड एज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ एनी टू एडजेसेंट मेटल एटम्स इन क्लोज पैक्ड मेटेलिक क्रिस्टल,
जो मेटल एक क्रिस्टल होता है उसमें दो भी कोई नज़दीक के जो मेटल एटम्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस का हाफ करेंगे तो हम क्या निकाल देंगे, मेटेलिक रेडियाई। फॉर एग्जाम्पल, द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट सोडियम एटम्स इन अ क्रिस्टल ऑफ सोडियम मेटल इज 3.80 एंगस्ट्रम। तो इसके अंदर अगर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है, टू एडजेसेंट सोडियम एटम की 3.80 है, तो आप इसकी अगर मेटेलिक रेडियस निकालते हैं तो आप इसका हाफ करेंगे और आपके पास मेटेलिक रेडियस आ जाएगा 1.90 एंगस्ट्रम। अब आ जाते हैं वॉन्डर वॉल रेडियाई। वॉन्डरवॉल्स रेडियस कैन बी डिफाइंड एज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू नॉन बॉन्डेड बट एडजेसेंट एटम्स बिलोंगिंग टू टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। देखिए दो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स हैं, नेबरिंग यानी कि पास पास वाले मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो दो पास पास वाले एडजेसेंट एटम्स होंगे लेकिन क्या होंगे, वो एक दूसरे के नज़दीक होंगे पर ये नॉन बॉन्डेड है, दोनों एक दूसरे से बॉन्डेड नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके जो दो एडजेसेंट एटम्स होंगे इनके बीच के जो डिस्टेंस होगा अगर उसका हाफ करते हैं तो हमें निकालेंगे वॉन्डरवॉल रेडियाई। अब हम पढ़ेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ एटमिक रेडियाई वेरिएशन इन अ ग्रुप। जैसे जैसे हम ग्रुप के अंदर नीचे जाते हैं वैसे वैसे ही क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबरिंग के एन की वैल्यू बढ़ती जाती है तो फिर रेडियस ऑफ एटम भी इंक्रीज होती जाएगी, और जैसे जैसे हम पीरियड के अंदर जाते हैं लेफ्ट टू राइट वैसे वैसे जेड इफेक्टिव वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, एन की वैल्यू सेम रहती है तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने की वजह से ये जो आर कोवेलेंट है आपकी कोवेलेंट रेडियाई है उसकी वैल्यू एटमिक रेडियाई क्या हो जाती है, कम होने लग जाती है। तो ये हो जाएगा हमारा पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ एटमिक रेडियाई की, अगर हम ग्रुप में जाएंगे तो एटमिक रेडियस इंक्रीज होगी और जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगी, एटमिक रेडियस घटती चली जाएगी, इनके डिक्रीज होती चले जाएगी। थैंक यू, आई होप बच्चों आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे और नेक्स्ट इसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे।